अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वनीला पेस्ट्री। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 125 ग्राम मक्खन लिया है मैंने, इसे मैं बीट कर लूँगी। दो से तीन मिनट मैंने मक्खन को अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी मैंने 1/2 कप और 3 टेबल स्पून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से भी मैं बीट कर लूंगी। चीनी को और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें अंडे को शामिल करूंगी। 4 अदद अंडा लिया है मैंने। मैं एक एक अंडा इसमें डालूंगी और बीट करती जाऊंगी। वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून लिया है मैंने, ये भी डाल दिया मैंने। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। टू टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। बाकी मैदा भी मैं इसमें डाल दूंगी। वन फोर कप दूध डाल रही हूँ मैं। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। केक का बैटर तैयार हो चुका है। जिस मोल्ड में मैं केक बेक करूंगी उसे मैं ग्रीस कर लेती हूँ। इसमें मैंने बटर पेपर रख दिया है, इसे भी मैं ग्रीस कर लूंगी। केक के बैटर को मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसे हम थोड़ा बराबर कर लेंगे ताकि इक्वल हो जाए चारों तरफ से। थोड़ा सा मैं इसे रैप कर लूँगी। चलें अब इसे बेक कर लेते हैं। मैं इसे पतीली में बेक करूँगी। इसके लिए मैंने 20 मिनट पहले ही पतीली को प्रीहीट कर लिया था। अब मैं इसमें रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं इसे 40 से 45 मिनट बेक करूँगी। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है मैं क्रीम व्हिप कर लेती हूँ। 1 कप मैंने क्रीम लिया है, ये बिल्कुल चिल्ड क्रीम है। सात से आठ मिनट में क्रीम को व्हिप करूँगी। वन पिंच मैंने फूड कलर ले लिया है, ये मैं शामिल कर देती हूँ इसमें। क्रीम हमारी व्हिप हो गई है अच्छे से, देखिए, और हल्का सा पिंक कलर आया है इसमें। अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। 45 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर ले रही हूँ केक को। केक तैयार हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। केक को अब मैं मोल्ड से निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सा केक बेक हुआ है हमारा। बटर पेपर मैं हटा रही हूँ। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से काट लूँगी ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। से मैंने केक को काट लिया है और काट कर बराबर कर दिया है बिल्कुल। अब हम इसे 20 से कट कर लेते हैं। केक को मैं 20 से कट कर रही हूँ। केक को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। 1/2 कप पानी लेके 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाला और इसे मिक्स कर लिया। हम इसे केक पे लगा देंगे हल्का हल्का। शुगर सिरप मैंने केक पर लगा दिया है। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाला है, अब मैं इस पर लगा लेती हूँ। क्रीम मैंने इस पे लगा दिया, दूसरा पीस भी मैं इस पे रख दूंगी। इस पर भी मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, इस पे भी मैं क्रीम लगा दूंगी। क्रीम को मैं अच्छी तरह सेट कर लूँगी। क्रीम मैंने लगा दी है, अब मैं इसे साइड से कट कर लूँगी। साइड से मैंने कट कर लिया है, अब मैं इसकी पीसेस बना लूँगी। एक घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। पेस्ट्री हमारी सेट हो चुकी है, इसे मैं डेकोरेट करती हूँ।
चलें पेस्ट्री सर्व करते हैं। केक पेस्ट्री सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।